हियर्स द ट्रुथ, एज अ स्टूडेंट ना कई बार हमको पैसे कमाना ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं होता बिकॉज मोस्टली हमारा टाइम एकेडमिक्स में जाता है, देन एज भी थोड़ी कम ही होती है एज कम्पेयर टू अदर एक्सपीरियंस्ड पीपल, तो इजिली लोग हम पे ना ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं कर पाते कि ये काम कर पाएंगे ये काम नहीं कर पाएंगे। बट डोंट वरी, क्योंकि आज हम आपको ऐसे 10 तरीके बताएंगे जिससे आप अपनी साइड हसल शुरू कर सकते हो, वो भी घर बैठे। फर्स्ट वन, मेक मनी बाय हेयरिंग म्यूजिक। क्या आपको गाना सुनना पसंद है? और अगर पसंद है और मैं बोलूं कि आपको गाने सुनने के पैसे मिलेंगे तो कैसा लगेगा? एक्साइटिंग, राइट? तो अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन या लैपटॉप है, आपका काम बस ये है कि आपको गाने सुनने होंगे और उनके लिरिक्स को लिखना होगा। इससे आपको ऑलमोस्ट $1.5 मिलते हैं पर मिनट। तो अगर कोई 3 मिनट का सॉन्ग है तो $4.5, कोई 6 मिनट का सॉन्ग है तो $9 तक मिल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको सुनकर उसके लिरिक्स लिखने पर। सो इमेजिन करो, अगर आप 10 या 20 सॉन्ग्स दिन में कर सकते हो तो कितने पैसे कमा सकते हो पर डे, वो भी अपनी फेवरेट एक्टिविटी करके। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती है जैसे कि gotranscript.com या फिर rep.com जहां पर ये काम आपको इजीली मिल जाता है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, इन वेबसाइट्स पे जाके बस आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और आपको दिख जाएगा कौन कितना पे करता है और उसके हिसाब से आप अपना काम शुरू कर सकते हो। अब बेस्ट पार्ट बताऊं, आपको ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है कि गाने सुनने हैं देन लिखना है, आप इसके लिए और भी चीजें यूज कर सकते हो। मैं बताता हूँ, gotranscript.com पर जाओ, वहां पर उनका डैशबोर्ड ओपन करो, कोई भी म्यूजिक डाउनलोड करो और उसको अपलोड कर दो वहां पर, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसके लिरिक्स जनरेट कर देगा, बट हाँ कुछ वर्ड्स गलत हो सकते हैं तो मेक श्योर मैनुअली उनको ठीक कर दो एटलीस्ट, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। इससे आप मंथली ऑलमोस्ट 12,400 रुपीज कमा सकते हो। नंबर टू आता है रीडिंग बुक्स आउट लाउड। अगर आपको रीडिंग पसंद है ना, दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू, क्योंकि आप इससे लिटरली हर महीने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमा सकते हो। सो acx.com पर जाओ एंड क्लिक ऑन आर यू एन एक्टर और प्रोड्यूसर, फिर वहां पे आपको एक बुक फाइंड आउट करनी होगी जो आपके आवाज के अकॉर्डिंग सूटेबल हो, या आप फाइंड टाइटल्स फॉर ऑडिशंस पे क्लिक कर सकते हो। इस पेज पे आपको बहुत सारी बुक्स मिलेंगी जिसको आप फिल्टर आउट पे कर सकते हो बेस्ड ऑन जॉनर, टाइप, एज ग्रुप, जेंडर या कुछ भी और। कोई भी एक बुक सिलेक्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि उसकी एस्टिमेटेड लेंथ क्या है, कितना वो ऑन एन एवरेज आपको पे करने वाले हैं इसके लिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है और आप कैसे इसको कंटिन्यू कर सकते हो। फिर वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करो, वॉइस सैंपल्स अपलोड करो, बताओ उनको कि आपको पेमेंट कैसे चाहिए और ऑडिशन दो जिसमें आपको कुछ मिनट्स तक कुछ रीड करना होगा। इफ सिलेक्ट हुए तो आपको ऑफर मिल सकता है एंड आप अपनी खुद की रिकॉर्डिंग उसमें कर सकते हो। फॉर मोर टिप्स आप acx.com पर जाके सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स डिटेल में पढ़ सकते हो। नंबर थर्ड पे आता है मेक APIs। आपको पता है आप ChatGPT के थ्रू पैसे कमा सकते हो। ChatGPT की मदद से आप एक API बनाकर उसको बेच सकते हो। API को डेवलपर्स यूज करते हैं अपना डेटा एक्सेस करने के लिए या कोई भी और ऑपरेशनल वर्क करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फेसबुक यूज करना है तो आप क्या करते हो, या तो फेसबुक की वेबसाइट पर जाते हो या फिर फेसबुक का ऐप डायरेक्टली अपने फोन में खोल लेते हो। अब अगर आप डेवलपर हो और आपको फेसबुक अगर यूज करना है खुद के एप्लीकेशन से और आपके खुद के कोड से, तो आपको फेसबुक का API यूज करना होगा। सो बेसिकली API एक मिडिल मैन की तरह है बिटवीन द डेवलपर और एक सर्टन सर्विस के बीच में। आप ChatGPT से APIs बना सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं करना, ChatGPT पे जाके एंटर करो समथिंग लाइक राइट द कोड ऑफ अ .NET API दैट जनरेट्स कोड्स बेस्ड ऑन कैटेगरी, मेक द कोड एज सिंपल एज पॉसिबल एंड डोंट यूज एनी API। सो आपका API कोड ChatGPT जनरेट कर देगा जो आप खुद के प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो। जेनरेटेड कोड को कॉपी करो, विजुअल स्टूडियो ओपन करके कंट्रोलर क्रिएट करो और कोड को पेस्ट करो और इसे रन करो एंड यू विल गेट योर API। अब ChatGPT से पूछो कि कैन आई होस्ट द API फॉर फ्री, उसके बाद वो आपको ऑप्शंस दे देगा जहां पे आप फ्री में अपनी APIs पब्लिश कर सकते हो। और सिमिलरली अगर इसको सेल करना होगा तो अगेन ChatGPT से पूछो, वो आपको वहां भी ऑप्शंस दे देगा कि आप इसको कहां कहां पे सेल कर सकते हो। आप ChatGPT को ये सेम कोड किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करने को बोल सकते हो और वो भी कर देगा, जैसे पाइथन में करना है, आर में करना है, किसी और में वो भी हो जाएगा। फोर्थ है क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग टूल्स।
यार चैट जीपीटी के थ्रू आप इतने सारे, एटलीस्ट कम से कम मैं तो बोलूंगा 10 फ्री टूल्स बना सकते हो, जिसको बनाकर आप उनको मोनेटाइज कर सकते हो। कैसे? लेट्स से आपको कोई टूल क्रिएट करना है जिससे लेट्स से नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट काउंट हो जाए, तो चैट जीपीटी में जाओ एंड एंटर राइट द फुल कोड ऑफ अ टूल्स वेबसाइट दैट काउंट्स नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ टेक्स्ट, यूज HTML, CSS एंड JS। अब चैट जीपीटी आपको पूरा कोड जनरेट करके दे देगा और सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इस कोड को कॉपी करो और विजुअल स्टूडियो में जाके ओपन करो और 3 फाइल्स क्रिएट करो, HTML, CSS और JavaScript, एंड देन कोड को पेस्ट करो एंड बूम, हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। और अगर आपको इस वेबसाइट को और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाना है, देन अगेन वी हैव चैट जीपीटी जो आपको इसमें हेल्प कर देगा। सिंपली उसको जाके बोलो कि लेट्स मेक द वेबसाइट मोर अट्रैक्टिव एंड वहां पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर इतने कॉम्पिटिशन में स्टैंड आउट करना है ना, तो एक ही वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा टूल्स डालो, उसको बेस्ट बनाओ, मेक इट स्टैंड आउट जितना क्रिएटिव हो सके, एंड देन बेस्ट रिजल्ट्स भी मिलेंगे। फिफ्थ आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सिंस ई कॉमर्स वेबसाइट्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है और वो अपना सामान ऑनलाइन बेचती है, उनको ऐसे कॉपी राइटर्स चाहिए होते हैं जो कि उनके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को लिख सके। आप ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस इजीली चैट जीपीटी के थ्रू बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप जाके चैट जीपीटी में लिखोगे कि क्रिएट अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर अ मोबाइल कवर, तो चैट जीपीटी आपको एक अमेजिंग सा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके ऑलरेडी दे देगा। उसको आप अगेन मॉडिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप बहुत से बिजनेसेस को इसी चीज के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो आपको प्रोवाइड कर देंगे अपॉर्चुनिटीज, वरना फाइवर या अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पे आपको ऑलरेडी इस पे काम मिल जाएगा। इससे आप इजीली $40 to $100 तक कमा सकते हो। सिक्स्थ आता है सेलिंग इन्फो प्रोडक्ट्स। अब ना यार, इन्फो प्रोडक्ट सेल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपके स्किल्स हो सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, आपका नॉलेज हो सकता है। इसको यूज करके आप कोई बुक या फिर कोई ई बुक लिख सकते हो जो आप इजिली सेल कर सकते हो Amazon KDP पे या फिर Gumroad पर। अगर बहुत ज्यादा स्मार्ट हुआ करते थे या फिर क्लास के टॉपर थे, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोर्स बनाकर Udemy पर भी सेल कर सकते हो। साथ ही साथ आप वेबसाइट से टेम्पलेट्स बनाकर उसको फाइवर या ऐसी किसी और वेबसाइट पर भी बेच सकते हो। सेवेंथ आता है मेक मीम्स एंड सेल। मीम्स पसंद है? देन दिस वन इज फॉर यू। आपको पता है क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के कितने सारे लोग मीम क्रिएटर्स को बहुत पैसे देते हैं? अब आप AI की मदद से मीम्स भी बना सकते हो। supermemes.ai पर जाओ, कोई भी सेंटेंस या वर्ड टाइप करो और ये आपको मल्टीपल मीम्स बनाकर दे देगा। एट आता है ग्राफिक डिजाइनिंग विद AI। आप AI की हेल्प से ग्राफिक डिजाइंस भी कर सकते हो। एंड फन फैक्ट, इसमें आपको ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स भी नहीं चाहिए। काफी फ्री एप्स हैं जिनसे आप विजुअल्स और डिजाइंस बना सकते हो, जैसे कि स्क्राइब ऐप या फिर scribehow.com। बस आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करो और ये आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड प्रोवाइड कर देगी। सिमिलरली लूका ऐप की मदद से आप लोगोस भी डिजाइन कर सकते हो। ल्यूमेन 5 एक और ऐप है जिससे आप ब्लॉग पोस्ट को इंटरैक्टिव और अच्छी वीडियोस में कन्वर्ट कर सोशल मीडिया पर भी डाल सकते हो। नाइन्थ आता है AI आर्ट जनरेशन। AI यार इतना ज्यादा एडवांस हो गया है कि उसकी मदद से अब आप आर्ट जनरेशन तक कर सकते हो। इसके लिए आपको midjourney.com को ओपन करना है और फिर ज्वाइन द बीटा पर क्लिक करना है, जो आपको डिस्कॉर्ड ओपन करके देगा। फिर कंटिन्यू टू डिस्कॉर्ड करो। इसमें आपको लेफ्ट साइड पर न्यूबीज रूम लिखकर मिला होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इस सर्वर पे आप जो भी टाइप करोगे उसके रिलेटेड 4 इमेजेस मिलेंगी। आपको कमांड देना हो तो मैसेज वाले सेक्शन में इमेजिन टाइप करो और स्पेस दे दो। फिर आपको मैसेज देना है कि आपको किस तरीके का फोटो चाहिए। लेट्स से अ गर्ल विद ग्लासेस ईटिंग आइसक्रीम, और इसको एंटर कर दो तो 4 रिलेटेड इमेजेस आपको मिल जाएंगी। इमेजेस 100% प्रोसेस होने के बाद वो आपको नीचे दिख जाएंगी। आपको नीचे U1, U2, U3, U4 और V1, V2, V3, V4 करके सब मिल जाएगा। U का मतलब होता है अपस्केल और V का मतलब होता है वर्जन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फर्स्ट वाली इमेज पसंद आती है तो U1 पे क्लिक करो, जो आपको सेम इमेज की बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर देगा। बट लेट्स से आपको दूसरे वेरिएशन चाहिए फर्स्ट इमेज के, तो V1 पे क्लिक करो, वो आपको और भी वेरिएशंस उसी इमेज के प्रोवाइड कर देगा। और फिर रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो 4 इमेजेस आपके सामने आ जाएगी। और यही इमेजेस बेचकर आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, midjourney.com फ्री नहीं है। इनिशियली आपको एक ये ट्रायल पीरियड प्रोवाइड करता है जो कि फ्री है, बट उसके बाद ये पैसे आपसे जरूर लेता है। लास्ट आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यार इस टाइम ना हर कोई बात कर रहा है कि AI को यूज करके पैसे कैसे कमा सकते हैं, बट इन सभी AI टूल से बेस्ट आउटपुट लेने के लिए एक बेस्ट इनपुट भी तो डालना पड़ेगा ना। Which brings us to our last part, prompt engineering. आसान शब्दों में आप कुछ ऐसे prompts लिखकर भेज सकते हो जिसके real life में important और real life uses हो। With sites like promptbase.com, you can create unique prompts for different AI tools.
एंड सेल देम इजिली एंड कीप 80% ऑफ द रेवेन्यू विद यू। और अगर आपको इन 10 के अलावा और भी नए तरीके जानने हैं तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 पार्ट्स अलग से बना रखे हैं, उनको जाकर भी देखो। टिल देन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।